जिस रब ने चलना सिखाया हो ना, उस रब से भागा नहीं जाता। उस रब के सामने अपने आप को सरेंडर किया जाता है, अपनी गलती, अपनी कोताहियों, अपनी लफ्जिशों, अपनी खताओं को एडमिट किया जाता है। तारीख गवाह है कि जिस भी इंसान ने अपने रब के साथ बगावत का रास्ता इख्तियार किया हो, उसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, सब कुछ दिया हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की, उसकी हर दुआ को कबूल किया हो, लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत से महरूम रखा है, अल्लाह ने उसको अपने याद से महरूम रखा है। हम उन रास्तों पर अपनी ज़िंदगी को क्यों गुजारें जिस पर इज्जतें है, शोहरतें है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह नहीं है। जिस भी इंसान ने अपने आप को अल्लाह के कायदे कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है तो उसकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरती है, लेकिन जिसने भी अल्लाह के हुदूद से अपने आप को हटा दिया और मनमानी और मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है तो अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। हमारे पास सिवाय उसके के अफसोस और नदामत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे यारो, अल्लाह के मामले में देर न करें। अगर आप अपने आप के अंदर खुदा की कमी को महसूस करते हो तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। आइए उस रब की तरफ जो गफूर रहीम है, वो हम सबको माफ कर देगा। आइए उस अल्लाह की तरफ, उस अल्लाह को याद करें, उस अल्लाह को याद करके अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दें।